देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी को विधान परिषद में स्पष्ट बहुमत मिला है। 36 सीटों में से 9 पर बीजेपी ने पहले ही निर्विरोध जीत हासिल की और अब 9 अप्रैल को 27 सीटों के लिए हुए मतदान के बाद आए नतीजों में बीजेपी ने 33 पर जीत हासिल की है। 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है जबकि 1 सीट पर जनसत्ता दल को जीत मिली है। इस चुनाव में मुख्य विपक्षी दल सपा का सूपड़ा साफ हो गया है तो वहीं बसपा और कांग्रेस ने इस चुनाव में अपने प्रत्याशी ही नहीं उतारे थे। गौरतलब है कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी को करारी हार मिली है। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह एमएलसी चुनाव जीत गई है। वहीं आजमगढ़ मऊ से निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह जीते हैं जबकि प्रतापगढ़ से जनसत्ता दल से अक्षय प्रताप सिंह जीते हैं। इन्हीं नतीजों के साथ बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में भी परचम लहराया है और आजादी के बाद पहली बार बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है, एक बड़ा इतिहास रच दिया है। अब यूपी में विधानसभा के साथ विधान परिषद में भी बीजेपी का राज हो गया है या यूं कहें कब्जा हो गया है। इस जीत पर सीएम योगी का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जनता राष्ट्रवाद विकास और सुशासन के साथ है और ये जीत पीएम मोदी के कुशल मार्गदर्शन की जीत है। इसी पर आज हम बात करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। तो आपका परिचय यहाँ पर करा देते हैं जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता दीपक बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहीं सपा प्रवक्ता नीरज यादव फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं जबकि वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रभात जी आपका भी बहुत स्वागत है और नीरज जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दीपक जी आपके पास आना चाहूंगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई एमएलसी में मिली जीत को लेकर और यहां पर विधानसभा में पहले कब्जा, अब विधान परिषद में भी कब्जा हो गया बीजेपी का। दीपक जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं चाहूंगी कि जो दिक्कत हो रही है उसे दूर किया जाए। और यहाँ पर नीरज जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, बीजेपी ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में यूपी की जनता राष्ट्रवाद विकास और सुशासन के साथ है, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिलहाल की कहानी जो हो रही है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो सरकार ने, भाजपा सरकार ने ये सिखाया है कि राजनीति में कैसे शासन प्रशासन का प्रयोग करना चाहिए, दुरुपयोग करना चाहिए, ये कहिएगा बल्कि, क्योंकि इन्होंने सारी हदें पार करके हर चुनाव चुनाव में डर खौफ हर चीज का दिखावा करके इन्होंने चुनाव को अपने नजदीक लाया है और भाजपा सरकार ने आने वाले समय के लिए सभी दलों को सिखाया है कि आप जब सत्ता में हो तो कैसे करिएगा, शासन प्रशासन का दुरुपयोग कैसे करिएगा। ठीक है नीरज जी, इसका जवाब मैं लूंगी दीपक जी से, लेकिन दीपक जी आपकी ऑडियो नहीं मिल पा रही थी तो यहाँ पर आपकी जीत को लेकर सबसे पहले बधाई और आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। विधानसभा के साथ विधान परिषद में भी अब बीजेपी का कब्जा हो गया है, लगता हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पाया। प्रभात जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, जिस तरीके से नीरज यादव कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस और कहीं ना कहीं इस चुनाव के नतीजों को लेकर जो है वो सवाल उठा रहे हैं और यहां पर सत्ता का दुरुपयोग एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए प्रीति जी, कांग्रेस को ये नहीं लगता है कि आप मंथन करें कि आप कहां खड़े हैं। आपको आरोप लगाना तो बहुत आसान चीज है, जब जब ये विपक्ष हारते हैं तो ये आरोप इसी तरीके का लगाते हैं कि ईवीएम खराब है, कहीं ये दुरुपयोग कर रहे हैं भारतीय। अरे आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो उसके कारण क्या है। उन कारण को खोजने की जगह ये लोग आपस में एक दूसरे की छीछा लेदर करने में लगे हुए हैं और अपनी पार्टी को गर्व में ले जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 2016 में समाजवादी पार्टी ने यही 35 सीटें जीतकर सदन में बहुमत प्राप्त किया था और आज अगर मोदी और योगी के विश्वास के बाद जिस तरीके से लगातार जीत हो रही है किसी एक पार्टी की, तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति उनका एक
जो नजरिया है, जो काम करने का तरीका है 24/7 का, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मोदी के मार्गदर्शन पे काम कर रहे हैं, वो लगातार जीत रहे हैं। तो आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि आपके नेतृत्व में कहीं ना कहीं कमी है। और इस चुनाव में जो सबसे बड़ी हार के रूप में समाजवादी पार्टी उभर कर सामने आई है, ये अखिलेश यादव को सोचना है, उनको आत्ममंथन करना है कि हमारे जो नेता थे, जो जिनका हम प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पाए, और घर में लड़ाई आज भी चल रही, चाहे छोपाल हो चाहे आजम खां हो, तो हमें 2024 में हम किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हो पाएंगे। ठीक है, आप तो ये सोचते हैं कि सपा को इस पर चिंतन करना चाहिए, तो नीरज जी ये सोचते हैं या नहीं, ये जवाब मैं उनसे लूंगी, लेकिन एक बार दीपक जी यहाँ पर जरा बताएं कि जो जीत मिली है उसको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, और अब दोनों ही जगहों पर आप ही का डंका बज रहा है, विधानसभा हो या विधान परिषद, और देश की संपूर्ण जनता को धन्यवाद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगातार भरोसा 2014 से लगातार जताते आ रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व की जीत है, ये कर्मठ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की जीत है, ये परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष उनकी जीत है, और सभी उन सभी लोगों की जीत है जो भारतीय जनता पार्टी में लगातार विश्वास बनाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों पर अपनी मोहर लगातार लगाते आए हुए हैं। देखिए 40 वर्षों के बाद में ये उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा हुआ है कि किसी दल ने अपना विधान परिषद के अंदर अपना पूर्ण बहुमत स्थापित किया हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। हम लगातार देखते आ रहे हैं, लगातार 2014 के बाद से 17 में, 17 के बाद से 19 में, और 19 के बाद से 22 में, और 22 के बाद में अब 12 अप्रैल को ये सारी चीजें हो रही है। तो उसमें लगातार एक चीज देखने को आ रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इतिहास बदल रही है, और इसका पूर्ण रूप से कारण एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी जिन रीति नीतियों के साथ में समाज के बीच में काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो समाज के बीच में जिस प्रकार से काम कर रहा है, तो वह लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, जिस प्रकार से अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है उस पर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो लगातार चल रहे हैं उन पर भी, इन सभी चीजों को लेकर जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताती आई है, और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद का इतना प्रचंड बहुमत की जीत भारतीय जनता पार्टी के सामने आई। ठीक है नीरज जी, आप जरा बताएं कि क्या आप इस मैंडेट को स्वीकार करते हैं, क्या ये मानते हैं कि नेतृत्व की कमी है इसलिए ये रहा कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, 00 पर आ गई? देखिए मैं दीपक जी थे ना अभी लाइन पर, जी जी दीपक जी से ये कहना चाहूंगा कि हमने इस चुनाव में अपनी सीटें दोगुने से ज्यादा ऊपर करी। समाजवादी पार्टी की पहले सीटें क्या थी और आज क्या है, यानी कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में क्षमता है कि वो भाजपा के पूरी की पूरी भाजपा कैबिनेट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के विपक्ष में लगी रही, पूरी गोदी मीडिया लगी रही, उसके बाद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सम्मानजनक स्थिति पे लाकर समाजवादी पार्टी को खड़ा रखा है। सर आप अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे, दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं जी। और हमारी वोट परसेंटेज देखिए आप, 2012 में जिस वोट परसेंटेज पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश यादव जी, उस वोट परसेंट को कितना और बढ़ाया है हमने। आप कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं सर, एमएलसी चुनाव की बात कर रही हूँ, 00 पर आप आ गए हैं वो ठीक है, जैसे कि उन्होंने, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, पहले उन्होंने भी तो यही बात बताई, तो मैं उनका जवाब तो दे दूं या न दे पाऊं, ये नहीं नहीं जी जवाब दीजिए, जवाब देने के लिए मैं जवाब उनको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो मैं उन्हें वो कह रहे हैं कि हम घटते जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हम बढ़ते जा रहे हैं। कैसे बढ़ते जा रहे हैं जरा वो भी बताएं नीरज जी विस्तार से। हमारी आप ये देखिए 2017 में हमारी पार्टी की सीटें क्या थी और वोट परसेंटेज क्या था, आज हमारी पार्टी में जो चुनाव हुआ है उसमें आप हमारी वोट परसेंटेज देखिए कितनी बढ़ी है। रही एमएलसी चुनाव की, तो एमएलसी चुनाव में सीधी सीधी बात है कि प्रशासन ने अपना सभी दल बल का प्रयोग करके ये सिस्टम बना लिया है। मतलब आप हार स्वीकार नहीं करते हैं लेकिन सत्ता पक्ष की कहीं ना कहीं कमी है, उन्होंने मशीनरी का दुरुपयोग किया है और इसलिए उन्होंने जीत हासिल की, आपका कहना ये है? वो साफ साफ टीवी चैनल खुद दिखा रहे हैं,
भैया जो प्रत्याशी हैं उनके सामने बुलडोजर खड़ा कर दिया, उनके घरों के सामने, वो क्या है, क्या है यार बात। ठीक है प्रभात जी, आऊंगे आपके पास। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। प्रीति जी देखिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके सामने बड़ी कष्टदायी परिस्थिति बनी हुई है, कैसे अपनी पार्टी का पक्ष रखें। आज उनके पास में जीरो अंडा मिला हुआ है, तो अब उस अंडे को भी कैसे वो बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुतिकरण करें मीडिया के सामने, तो मीडिया पे भी आरोप लगाना है, बाकी लोगों पर लगाना है, कुछ देर बाद वरिष्ठ पत्रकार पर भी हो सकता है आरोप लगे, और हम लोगों पर तो लगातार लगते रहते, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। देखिए समाजवादी पार्टी का देखिए कितना बड़ा सांगठनिक कार्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया कि वो कहीं कीट कहीं करोड़ा भानुमती ने जो कुनवा जोड़ा था वो कुनवा आज उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, और ये एमएलसी चुनावों की बात कर रहे हैं और खुद के बढ़ने की बात कर रहे हैं। जो परिवार इन्होंने बनाया था वो लगातार टूटता जा रहा है, कहीं शिवपाल अलग होते जा रहे हैं, आजम खां के यहां से भी ऐसी बातें निकल के आ रही है, तो उस कुनवे को ही पहले संभाल ले तो ये चुनावों में आगे जाएंगे। तो इससे पूर्ण रूप से साबित होता है समाजवादी पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई अनुशासन नहीं है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता केवल चुनावी समय पर निकल कर आते हैं और उसके बाद फिर दोबारा सोने चले जाते हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, और उसी का कारण है कि आज समाजवादी पार्टी लगातार के अंदर जा रही है, कुनबा प्यारा लगता है, अभी और चुनाव आने वाले हैं 2024 के अंदर, इनको इतनी समस्या आने वाली है, 80 चुनाव 80 सीटों में से 2 या 3 भी निकालना है, तो इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात होगी। मैं अपने समाजवादी मित्र प्रवक्ता से कहूंगा कि वो थोड़ा सा मेहनत पर ध्यान दें, अपनी हार को स्वीकार करना सीखें और उसके बाद कोशिश कर आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो शायद जनता इनको आशीर्वाद दे। परंतु अगर वो इसी प्रकार से झूठ का सहारा लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ करेगी और इनका कभी समर्थन करेगी। झूठ का सहारा हमने कब लिया? हमने अपने मैनिफेस्टर में जो भी बोला है वो हमने पूरा किया है। आप बताइए आपने कहां पूरा किया, किसे लैपटॉप दिया आपने, किसे डाटा दिया आपने? देखिए लगातार लैपटॉप और टैबलेट वितरण का कार्य लगातार चल रहा है, हमने 100 दिन के अंदर 9 करोड़ 17 लाख लैपटॉप को दोबारा से वितरण का पूरा। लेकिन नीरज जी ये देखिए ना, जनता एक के बाद एक साथ भी तो फिर बीजेपी का ही दे रही है ना जी। प्रीति जी मैं क्वेश्चन नहीं लेती नीरज जी से, मैं कह रही हूँ कि इन तमाम सवालों के बावजूद भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंडेट तो बीजेपी को ही मिल रहा है। ठीक है प्रभात जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, यहाँ पर कुछ समीकरण समझना चाहूंगी कि 33 पर बीजेपी, 3 पर निर्दलीय, जिसमें से 2 पर निर्दलीय, 1 पर जनसत्ता दल, और ऐसे में यहाँ पर क्या फैक्टर्स, ऐसे क्या समीकरण रहे कि निर्दलीय भी समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ गए? नहीं देखिए प्रीति जी, जिस तरीके से जिला पंचायत और पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वो प्रदर्शन कहाँ चला गया विधान परिषद के चुनाव में, क्योंकि यही लोग वोट देते हैं। सवाल इस बात का है कि जो आधी सरकार गाँव में बसती है, जो ग्रामीण प्रदेश में है, उनको पैसा दिया जाता है, वो विकास डेवलपमेंट करते हैं, वोट वही डालते हैं ग्राम प्रधान और नगर पालिका पंचायत और जिला पंचायत और एमपी और विधायक। तो सवाल इस बात का है कि जब उन्होंने जनता और मोदी और योगी पे विश्वास करके इस क्रम को आगे बढ़ाया है वो जीते हैं। बनारस में भारतीय जनता पार्टी को आत्मंथन करना होगा कि बनारस में उनकी जो हार हुई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है, आखिर वहां पे हार क्यों हुई? वो माफिया की जो पत्नी जीती। रही बात प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ में राजा भैया का अपना वर्चस्व है, वहां जनसत्ता दल उन्होंने बनाया था, 2 विधायक उनके जीते थे और उनका ये एमएलसी एक जनसत्ता दल से जीता, उसको आप निर्दलीय काउंट मत कीजिए, वो जनसत्ता दल का एमएलसी है, क्योंकि जनसत्ता दल 2 विधायक जिता के तो विधानसभा चुनाव में भी वो गए थे, तो वहां राजा भैया का अपना वर्चस्व है। एक जसवंत सिंह के बेटे जो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके, जो उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी शिकस्त दी और भाजपा को भी शिकस्त दी और भाजपा ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर रखा है, उनका बेटा वहां जीता। तो जिस तरीके से 33 सीटें जीत के विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त कर चुकी है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी जो कह रही है वो कर नहीं पा रही है। अखिलेश की इच्छा शक्ति जो है वो विधानसभा में रुकने की थी कि हम नेता प्रतिपक्ष बनेंगे और विधानसभा से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन फिर उनका वही जो राग है परिवार में अपने लोगों को ठीक नहीं रखना, चाचा को नाराज कर लेना, आजम खान जैसे कद्दावर बड़े बड़े लोगों को जिस तरीके से उनका अपमान करना और सिर्फ अपने अकेले एक अपने अहंकार में डूबे हुए हैं। देखिए अहंकार से राजनीति नहीं चलती है, राजनीति जनता से जुड़ने से चलती है। आप जनता के बीच कनेक्टिविटी बनाइए, अपने परसेप्शन को चेंज कीजिए, लाल टोपी का जो परसेप्शन है उसको आप बदलिए, ये सारे परसेप्शन को आपको बदलना होगा
अगर आप 2024 के चुनाव में, लेकिन सर वो बदलेंगे तो जब ना, जब इस चीज को स्वीकार कर लेंगे कि हाँ हमें हार मिली है, क्योंकि ठीक है कोई भी मुकाबला होता है तो जीतता तो एक ही है, उसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, उसको स्वीकार करके उस पर चिंतन मंथन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वो ये चीज स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। आरोप और लगाते हैं, कहते हैं ईवीएम लूट ली गई, मतपत्र लूट लिए गए, रिटर्निंग ऑफिसर ने बेईमानी कर ली, सत्ता पक्ष ने बेईमानी कर ली। अरे भाई सत्ता पक्ष में आप भी तो कभी थे, कूड़े की गाड़ियां मिल रही हैं, सत्ता पक्ष में थे तो इसके मतलब आपने बेईमानी करके वो 35 सीटें ली थी, इसका जवाब आप दीजिए। सत्ता पक्ष में आप भी 2016 में थे, 2016 में यही 35 सीटें आपने जीती थी, तो क्या आपने बेईमानी की थी? क्या बताइए देश के, ठीक है नीरज जी, 2016 में आपने जीती थी तब क्या आपने बेईमानी की थी, जो इतना पुख्ता तरीके से अब इस बात पर डट गए हैं आप? 2016 जी मैडम आप क्या बोल रहे हैं, 2016 कह रहे हैं, विधान परिषद की बात कर रहे हैं सर, विधान परिषद की बात कर रहे हैं, नीरज जी होमवर्क नहीं करके आए हैं। समाजवादी पार्टी नहीं, ऐसा ना कभी कभी आपकी आवाज कभी कट जाती है, दिक्कत है, मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं हरिद्वार आ रखा हूँ। ठीक है सर, 2016 के विधान परिषद की वो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जब आपने इतनी सीटें जीती थी तब क्या उस दौरान सत्ता का दुरुपयोग करके वो सीटें जीती थी? बताइए आप कौन से प्रत्याशी के घर के बाहर बुलडोजर खड़ा था? आप तो मीडिया है सब जानते हैं, आप सिर्फ इतना बताइए कि कौन सा बुलडोजर प्रत्याशी के घरों पर घर के बाहर खड़ा? ठीक है तो अब आप बता दीजिए कि अब यहाँ पर जो सवाल आप उठा रहे हैं तो इस बार किसके यहाँ पर बीजेपी ने बुलडोजर खड़ा कर दिया? दीपक जी हैं वो जवाब देंगे, आप खुद देखिए मीडिया में, आप खुद आप तो मीडिया है, आप तो सब जानते हैं, आप खुद देखिए हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं के खुलेआम पेट्रोल पंप तोड़े जा रहे हैं, खुलेआम घरों के बाहर, मीडिया से तो हमें मालूम हो रहा है, और मीडिया आज हमसे पूछेगा कि किसके यहाँ खड़ा है? लेकिन वो तो कार्रवाई के तौर पर की गई कार्रवाई है ना, एमएलसी में हो तो वो तो नहीं है, कैंडिडेट उम्मीदवार नहीं थे यहाँ पर जी, कि कोर्ट में कोई केस चलता चलता तीन तीन पीढ़ी चली जाती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यहाँ तो कोई तारीख ही नहीं है, बात हुई बुलडोजर सामने, किस अधिकार से बुलडोजर आके घर को ध्वस्त कर रहा है? दीपक जी बताएं। जी प्रीति जी देखिए, जो बुलडोजर है वो प्रतीक है माफियाओं पे कार्रवाई का, बुलडोजर प्रतीक है उन सभी लोगों पर जो अवैध भूमि कब्जा करते हैं, उन सब का प्रतीक है, उन सब पे कार्रवाई का प्रतीक है। अभी ये जिन समाजवादी पार्टी के पेट्रोल मालिक पर पेट्रोल पंप पे जिस प्रकार का जो बुलडोजर चल रहा था, तो उसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि उसको समाजवादी पार्टी के दौरान सरकार के दौरान पे जिस प्रकार से उस पेट्रोल पंप को खड़ा किया, क्या वो अवैध था? क्या उसका नक्शा पास किया गया था? सिर्फ उस समय पर अपनी सत्ता की हनक के साथ में इन लोगों ने अवैध कब्जा किया, आज उसी भूमि को कब्जा मुक्त कराने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता भूमियों का अधिग्रहण करते थे, गरीबों की भूमियों का अधिग्रहण करते थे, जहां चाहे वहां अपने स्ट्रक्चर बना लेते थे, और जिस प्रकार से जो सरकारी लूट बनचा रखी थी, आज उसी का तो अंत हो रहा है, और उसी से आज समाजवादी पार्टी गरीब आदमी के लिए आप इतना सोच रहे हैं, उन्होंने संरक्षण दिया, कार्रवाई हो रही है, पार आपका पेट्रोल कर गया के अंदर लागू किया, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, आज उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो उसी से आज समाजवादी पार्टी के लोग डरे हुए हैं। आज ये माफियाओं का संरक्षण करने के लिए बात उठाते हैं, या क्यों नहीं आवाज उठाते कि वहां पर अवैध निर्माण हुआ, उसको गिराया गया, तो ये सरकार की उपलब्धि है और उस पर इनको तो साथ देना चाहिए सरकार का, परंतु इनको अपराधियों का माफियाओं का साथ देना है, इसलिए ऐसी बातों को लगातार उठाते रहना है। तो ये पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी वाले लोग माफियाओं के साथ में, भारतीय जनता पार्टी केवल गाँव गरीब किसान नौजवान महिलाओं के साथ में, जिनके हक उनको दिलाने का काम किया है लगातार, और ऐसी जो अवैध संपत्ति है उस पर लगातार कार्रवाई होगी, और भूमि अधिकरण उन पर से छुड़ाकर गरीब लोगों को में वितरण किया जाएगा। नीरज जी अब बोलिए। मैं भाई साहब से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, गरीबों पे बड़ा वो आ रहा है कि गरीब गरीब की बात कर रहे हैं, बांट रहे हैं, आप पेट्रोल सैकड़ा पार कर चुका है, डीजल सैकड़े के पास है, और वो दोबारा चूल्हे पे आ चुके हैं, मतलब इन्हें गरीब आदमी का इतना इतना, अरे आप ये तो देखिए, जो बस का टिकट आज एक साल में दुगने दाम पर है, आज मुझे एक मध्यम वर्ग का लड़का बैठा हुआ था, तो अपने परिवार के साथ था, तो वो मुझे कह रहा
कि भैया पिछली बार जब मैं हरकी पैड़ी पे आया था तो मेरे 32 रुपए लगे और आज उसी बस में एक साल बाद मेरे से 60 रुपए लगे, तो एक साल में 60 रुपए, ये कहां का न्याय है? दीपक जी, है जवाब आपके पास? जी बिल्कुल प्रीति जी, आशा नीरज जी पूरा होमवर्क करके नया है, जिस प्रकार से उन्हें जानकारी नहीं है। देखिए विश्व की परिस्थितियों के मुताबिक तेल का काम चलता है। आप देखिएगा कि विश्व के अंदर देखिए कितनी बड़ी क्राइसिस हो रही है, दो देशों के बीच में लगातार युद्ध का कारण है। उस युद्ध के कारण से तेल हमारे भारत के अंदर आयातित होता है, हमारे भारत के अंदर उत्पन्न नहीं होता। जब किसी चीज का आयात किया जाता है तो उसकी जितनी भी जो शुल्क है वो विश्व के आधार पर दी जाती है, वो भारत के आधार पर नहीं दी जाती। हम लगातार जब उसे लेते हैं तो उसके बाद जो नीचे तक पहुंचता है तो उसके बाद में उसकी जो कुछ महंगाई बढ़ती है, ठीक है, हर बार यही बात कही जाती है और ये टॉपिक अभी नहीं है हमारा, तो मैं इस पर ज्यादा नहीं बात करूंगी। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर रही है, गरीबों को मकान देने का काम कर रही है, शौचालय देने का काम कर रही है, 180 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन देने का काम कर रही है, गंगा एक्सप्रेस वे पर लगातार काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर दीपक एक बात और अहम है गौर करने वाली की प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन की बात कही जा रही है, क्रेडिट उनको दिया जा रहा है, लेकिन उनका संसदीय क्षेत्र जहां पर बीजेपी की जमानत भी जब्त हो गई। जी देखिए आप ये देखिए कि बाकी 36 सीटों में से 33 सीटें भी तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ में देखी है। आगरा मथुरा फिरोजाबाद की सीट को देख लीजिए, 3449 वोटों से जीती, तो ऐसी प्रचंड बहुमत से जीतने वाले भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं और इस पर भी लगातार नहीं, वो ठीक है, वो चीज तो हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात तो ये ना, वाराणसी प्रधानमंत्री जिस क्षेत्र से आते हैं उनका संसदीय क्षेत्र, वहां पर बीजेपी प्रत्याशी बिल्कुल फिसड्डी, जमानत जब्त हो गई। देखिए वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए लगातार प्रचार का काम किया गया और पूरे प्रदेश में उनका कुशल नेतृत्व दिखा, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में नहीं दिखा। देखिए प्रीति जी, उसकी भी समीक्षा की जाएगी, क्या कारण रहे, किन कारणों से उनकी हार हुई, इन सब चीजों पे भी समस्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार चल रही है। पर भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड देखिए कि हमने 36 में से 33 सीट जीतने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वहां समाजवादी प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में अपने आप को कहता और स्थापित करने का काम करता है, पर उनकी भूमिका इतनी है कि वो एक सीट भी जीतने का काम नहीं करते हैं पूरे विधान परिषद के चुनाव में। तो ये निर्दलियों को सीट गई है, वहां के जो भी कारण होंगे उस पर प्रदेश का संगठन उस पर पूरा विचार विमर्श करेगा, उसके ऊपर समीक्षा करेगा। ठीक है प्रभात जी, आप क्या कारण देखते हैं? वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र और वहां पर बीजेपी की जमानत जब्त हो जाना? नहीं, निश्चित तौर पे एक चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए जब डेवलपमेंट वहां हो रहा है, विकास हो रहा है और योगी जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर धाम बनाया गया, सारी चीजें हैं, लेकिन वहां पे अगर हारना एक भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को आत्मंथन करना होगा और उसके अलावा और भी दो सीटों में करना होगा, महू आजमगढ़ और प्रतापगढ़ में, कि आखिर आपकी तीन सीटें क्यों निकल के गई। मैं लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा कि जिस तरीके समाजवादी पार्टी में एक बड़े बड़बोले नेता सुनील साजन हुआ करते थे, उनको मात्र 400 वोट मिले, तो वो भी कई चीजें ऐसी है, लेकिन बनारस की हार भारतीय जनता पार्टी के लिए और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक चिंता का विषय है कि जब वहां डेवलपमेंट हो रहा है, वहां सारी चीजें हो रही है, तो आखिर ये माफिया ब्रजेश सिंह का की पत्नी वहां जीत कैसे गई? क्योंकि माफिया तंत्र वहां या तो टूट नहीं पाया, जिस तरीके से माफिया तंत्र तोड़ने की बात हो रही थी, या तो उसने डरा धमका के जितना भी है वो वोट प्राप्त किया, वहां वोट कैप्चर किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि बनारस की समीक्षा करें और निश्चित तौर पर जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी उस जीत को जीत में इतनी अति उत्साहित भी ना हो कि 2024 का लक्ष्य भूल जाए, और 2024 एक बड़ा लक्ष्य है। 2024 को लेके भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से उनके कार्य करने की शैली है, चाहे योगी जी हो, चाहे आपके मोदी जी हो, या उनके दो डिप्टी सीएम जो बनाए गए हैं केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये सब अपने अपने क्षेत्र में काम करें, क्योंकि 2024 लक्ष्य बहुत बड़ा है। विधान परिषद का ये लक्ष्य नहीं है, ये विधान परिषद में आप बहुमत में आ गए, अब आपको सदन में कोई चीज पारित करानी है तो आप बहुमत में है, विधानसभा में भी पास कराएंगे, विधान परिषद में भी कराएंगे, लेकिन जो असली लड़ाई है वो 2024 की है। 2024 की लड़ाई के लिए सारे कील कांटे भारतीय जनता पार्टी को अपने सही करने पड़ेंगे, और खास तौर से विपक्ष का हमारा कहना यह है कि अखिलेश को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, अखिलेश एक अपनी सेकंड लाइन के नेताओं को आगे बढ़ाएं और अपने परिवार और अपने घर को ठीक करें, अपने पुराने नेताओं से संपर्क अपना अच्छा रखें, संबंध अच्छे रखें, और कहीं से ये संदेश न जाए कि उनके जो सहयोगी दल है वो टूट के भाग रहे हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे जयंत चौधरी हो,
सबको एकजुट रहने का बहुत समाजवादी पार्टी को इस पर काम करने की जरूरत है। नीरज जी, क्या आप ये चीज मानते हैं? देखिए, हमारा परिवार एक है, समाजवादी परिवार एक है। ये भ्रम जो भारतीय जनता पार्टी समय समय पर फैलाती रहती है, ये उनकी एक नीति है जिससे इनके परिवार में फूट पड़े और लोगों के सामने गलत मैसेज आए। हमारा परिवार एक है और एक रहेगा। ठीक है, तो इसी पर आपको काम करने की भी जरूरत है और कहीं ना कहीं आगे चुनौतियां आपके लिए और बढ़ेंगी तो उस पर भी समाजवादी पार्टी को काम करने की जरूरत है और जो मैंडेट मिला है उसको स्वीकार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक जी आपका भी, प्रभात जी आपका भी और नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में MLC चुनाव के नतीजे सबके सामने आ चुके हैं। 36 में से 33 पर BJP ने कब्जा किया है जबकि 2 पर निर्दलीय और 1 पर जनसत्ता दल का कब्जा है और वहीं समाजवादी पार्टी का इस चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए अब आगे चुनौतियां और बढ़ने वाली है। किस तरीके से समाजवादी पार्टी अब इन चीजों से, इन चुनौतियों से उभरेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।